दोस्तों यूं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में नवाब परिवार अक्सर सुर्खियों में बना रहता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में तकरीबन हर व्यक्ति जानता है। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक और फैमिली है जो दशकों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज करती आ रही है, और उस फैमिली का नाम है कपूर खानदान। लेकिन ये कपूर खानदान अभिनेत्री करिश्मा कपूर का नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर का है, जो सदियों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जबरदस्त अदाकारी का जलवा बिखेर रहे हैं। और आज भी इस फैमिली के हर एक मेंबर ने अपने इस रुतबे को बरकरार रखा है, जो अक्सर अपनी किसी न किसी सुपरहिट फिल्म से दर्शकों का दिल जीतते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहने वाली इस फैमिली से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। जी हाँ, आज की हमारी इस वीडियो में श्रद्धा कपूर की फैमिली इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आपको मालूम पड़ेगा कि आखिरकार कपूर खानदान के मेंबर रिश्ते में एक दूसरे के क्या लगते हैं, और ऐसी ही कई और बातें। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस सफल फैमिली के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के साथ साथ उनकी फैमिली के लगभग हर सदस्य बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा कहलाते हैं। लेकिन आखिरकार कहां से हुई है कपूर फैमिली की शुरुआत, चलिए नजर डालते हैं। दरअसल कपूर खानदान फैमिली की शुरुआत शक्ति कपूर से होती है, जो टेलर सिकंदर लाल कपूर और सुशीला कपूर के बेटे हैं। बता दें कि शक्ति कपूर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले सीधे साधे व्यक्ति थे, लेकिन उनके सपने काफी बुलंद थे और ये फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते थे, जिसके चलते इन्होंने दिल्ली से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुंबई की ओर रुख किया और साल 1977 में आई फिल्म अली बाबा मर्जीना से अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद इन्हें फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, तोहफा और बंधन जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला। और इसी के चलते इन्होंने अपने करियर की ऊंचाइयों को छूने के दौरान अभिनेत्री शिवांगी कोल्हापुरी के साथ साल 1982 में अपना घर बसा लिया, और इस खूबसूरत जोड़ी से ये बेटी श्रद्धा कपूर और बेटे सिद्धार्थ कपूर के माँ बाप बने। शिवांगी कोल्हापुरी भी शक्ति कपूर की तरह एक फेमस फिल्म एक्ट्रेस रही है, जिन्होंने साल 1986 में आई फिल्म किस्मत से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दो अनजाने और विधाता जैसी फिल्में करने के बाद शक्ति कपूर से शादी रचाते ही फिल्म इंडस्ट्री से दूरियां बना ली थीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेत्री शिवांगी कोल्हापुरी पद्मिनी कोल्हापुरी की सगी बहन है, और इन्हीं की तरह इनकी बहन पद्मिनी कोल्हापुरी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस कही जाती है, जिन्होंने फिल्म प्रेम रोग में अभिनय करके खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद इन्होंने हवालात और सड़क साफ जैसी कई फिल्मों में काम किया। और शिवांगी कोल्हापुरी की बहन होने के नाते ये शक्ति कपूर के बच्चे सिद्धार्थ और श्रद्धा कपूर की मौसी लगती हैं, जो अपने भांजे भांजे के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। बता दें कि वहीं अभिनेता शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरी के बेटे सिद्धार्थ कपूर ने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फैमिली के पैशन को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने हसीना पारकर और पलटन जैसी कई फिल्मों में काम किया है और ये जल्द ही फिल्म चेहरे में भी नजर आने वाले हैं। वहीं शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर, जो साल 1987 में मुंबई में जन्मी थी, इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपना आशियाना बनाया, जिसके चलते इन्होंने साल 2010 में आई फिल्म तीन पत्ती से अपने करियर की शुरुआत की, और इस फिल्म में इनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें फिल्म हसीना पारकर, ओके जानू और बागी जैसी कई फिल्मों में काम करने का सुनहरा मौका मिला, और इसी के चलते आज ये फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो चुकी हैं, जिन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखते हुए स्ट्रीट डांसर 3D से दर्शकों द्वारा खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। हालांकि इतनी सफलता और प्रेम पाने के बाद आज भी श्रद्धा कपूर ने अपना घर नहीं बसाया है। जी हाँ, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर फिलहाल 32 साल की हैं, जिन्होंने अभी भी अपना घर नहीं बसाया है। लेकिन हाँ, इनका बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई मेंबर्स के साथ रिलेशन रह चुका है। बता दें, इनके पहले लव बॉय का नाम आदित्य रॉय कपूर है, जिनके साथ इन्होंने फिल्म आशिकी 2 में काम किया था, और इसी फिल्म के दौरान ये दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। लेकिन आपसी मतभेद के कारण ये रिश्ता आधे अधूरे मोड़ पर ही खत्म हो गया, जिसके बाद अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के दिल में एक और प्यार की दस्तक हुई, और वो थे अभिनेता फरहान अख्तर, जिन्होंने साल 2016 में आई फिल्म रॉक ऑन 2 में श्रद्धा कपूर के साथ लीड रोल में काम किया था, और इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री ने ही इन्हें असल जिंदगी में भी एक दूसरे के करीब ला दिया था, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के लिंकअप में बन गए थे। लेकिन अफसोस, अभिनेता आदित्य रॉय कपूर की तरह फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर का ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया और इनका ब्रेकअप हो गया।
जिसके बाद अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की जिंदगी में आए फेमस फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठा, जिनकी पहली मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री में ही हुई थी और बताया जा रहा है कि आज भी ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।